नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज है 12 जून और आज है सुपर संडे। जी हां, आज है साउथ अफ्रीका वर्सेस हमारी भारतीय टीम इंडिया का सेकेंड T20 मुकाबला। तो जानेंगे इस वीडियो में कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सा प्लेयर चल सकता है, टॉस कौन जीतेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले जो पहला T20 मुकाबला हुआ था, हमने प्रेडिक्शन दिया था कि अफ्रीका जीतेगी। वांडर डुसेन, डेविड मिलर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और उन्होंने ही मैच को फिनिश भी किया था। और दोस्तों, इसके पहले कल हमने कहा था अफगानिस्तान जीतेंगी, वो टीम भी जीत गई है। और दोस्तों, यानी कि हमारे 90% प्रेडिक्शन सही साबित होती है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आज की दिनांक की। 12 जून आज की दिनांक है, संडे आज का दिन है। दो टीमें हैं, एक हमारी भारतीय टीम है और एक है साउथ अफ्रीका की अच्छी खासी टीम है जो कि ऑन द पेपर काफी स्ट्रांग दिखाई देती है। दोस्तों वैसे दोनों ही टीमें काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है और काफी बैलेंस टीम है। मुकाबला दोस्तों जहां होने वाला है बाराबंकी स्टेडियम में, वह स्टेडियम में ना इसके पहले जो मुकाबले हुए थे स्कोरिंग ज्यादा नहीं होता है, 160 के आसपास स्कोर होगा। जैसे पिछले मुकाबले में हाई स्कोरिंग गेम हुआ था, बाउंड्री छोटी थी, बट ये मुकाबले में इस ग्राउंड में दोस्तों 160 जो है एक एवरेज टोटल है, 160 के आसपास बनेंगे, चेस नहीं होता है। जी हाँ, चेस मुश्किल है इस ग्राउंड में। चलिए बात करते हैं हमारी इंडिया की। एक और बात है कि हमने सारे जो कैलकुलेशन है हमारे पास करके रखे हैं, क्योंकि यदि हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी और आपको तो मेरे ख्याल से आई थिंक रिजल्ट से ही मतलब होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं प्लेयर के नाम लेता हूं और वो प्लेयर परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि दोस्तों आज आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा फिर से यजेंद्र चहल का, और आज आपको अक्षर पटेल और चहल की जो गेंदबाजी है काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बट मैच कौन जीतेगा दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका दोनों ही टीमों की यदि बात की जाए तो इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत है और अफ्रीका जो कप्तान है वो तेंबा बाउमा है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अनुसार इंडिया का जो नामांक है वह आज के भाग्यांक से मैच होता है, यानी कि टॉस यदि कोई टीम जीत सकती है तो वह हमारी इंडिया होगी, टॉस जीतेगी। बट एक बात मैं और बता दूं कि इस ग्राउंड में जो है जो टॉस जीतता है वह मैच भी जीतता है, ठीक है। तो दोस्तों टॉस जीत के टीम चाहेगी पहले बल्लेबाजी करना। अब इस मुकाबले में क्या होगा दोस्तों, इस मुकाबले में शायद इंडिया की टीम टॉस जीत सकती है, बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कुछ और कहानी बयां करते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा इसकी जानने से पहले मैं एक बात और बता दूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच का प्रेडिक्शन टॉस की जानकारी कुछ मिनट पहले मिल जाए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर प्रिंस भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, काम काफी बढ़िया है और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैच की जानकारी, प्रेडिक्शन, टॉस की जानकारी प्रोवाइड करते हैं अच्छे रिजल्ट के साथ में। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा, वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस वीडियो के अंत में कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। दोस्तों बाय एस्ट्रोलॉजी और बाय न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो इस मुकाबले में अगेन फिर से आपको टीम इंडिया हारते हुए दिखाई दे सकती है, यानी कि अफ्रीका एक बार फिर से इस मुकाबले को जीत सकती है। बट हमारा मन कहता है कि आज इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया जीतेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कहती है कि दोस्तों इस मुकाबले को एक बार फिर से साउथ अफ्रीका अपने नाम कर सकती है। बात करते हैं फेवरेट प्लेयर कौन से आज चल सकते हैं, तो इंडियन की टीम से हम पिक करेंगे युजवेंद्र चहल को, अक्षर पटेल को और हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को पिक कर लेते हैं। वहीं बात करें अफ्रीका की टीम की तो अफ्रीका में से हम पिक करने वाले डेविड मिलर को, डिकॉक को, रबाडा को और तबरेज शम्सी को। आपका प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों, आपका आपके फेवरेट प्लेयर कौन से है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।